धनतेरस वाले दिन आखिर हम करते क्या हैं? धनतेरस वाले दिन समुद्र मंथन में धनवंतरी देवता निकले थे। आरोग्य के देवता हैं, इस दिन धनवंतरी जयंती मनाई जाती है। सबसे पहले इस दिन आपको घर के लिए झाड़ू खरीदनी होती है, पर दिमाग में ये बात भी टिक टिक करके बैठा लीजिए, झाड़ू को घर लाकर उस पर कलावा बांधें, उस पर स्वास्तिक बनाएं, उसे अपने माथे पर लगाएं, और उस दिन नहीं, धनतेरस वाले दिन नहीं, उसके अगले दिन सुबह से इसी झाड़ू से घर में झाड़ू पोछा करना, झाड़ू लगाना शुरू कीजिए। धनतेरस वाले दिन आपको एक कलश ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि जब धनवंतरी देवता समुद्र मंथन में निकले थे तो उनके हाथ में कलश था। लोग क्या करते हैं, कलश खरीद के घर ले आते हैं, बहुत अच्छी बात है। स्टील का, चांदी का, तांबे का, पीतल का, सोने का, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। कोई भी कलश खरीदे, कोई लोग ग्लास खरीद लेते हैं, कोई कटोरी खरीद लेते हैं, इस दिन बर्तन खरीदने का महत्व होता है। आप कुछ भी खरीदिए, कुछ भी घर में लाइए, लेकिन निवेदन है खाली मत लाइए। या आपको पता है कि दिवाली पर हमारे यहाँ पर सबके घर में जो है वो छोटे छोटे से खील पतासे खिलौने आते हैं खाने वाले, या तो उसमें वो भर कर लाइए या उसमें चावल भर कर लाइए। धनतेरस वाले दिन अपने घर की झाड़ू बदलना, एक कलश खरीदना जैसा मैंने आपको बताया, इस दिन आपको सोना, चांदी, तांबा, हीरा सब खरीदना चाहिए। ना खरीद पाए तो इस दिन अपने घर में राशन डालना चाहिए, झाड़ू बदलनी चाहिए। इस दिन आपको केसर ज़रूर खरीदना चाहिए। इस दिन आपको अगर अपने घर में दिवाली के लक्ष्मी गणेश खरीदने हैं तो इसी दिन, दिवाली वाले दिन से एक दिन पहले यानी कि त्रयोदशी पर यानी कि धनतेरस पर आपको खरीदने चाहिए क्या, लक्ष्मी गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा का सब सामान। और इस दिन धनतेरस के हिसाब से मैं आपको बता दूं कब है धनतेरस, ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, लेकिन अगर आप 31 तारीख को धनतेरस दिवाली बना रहे हैं, सीधी बात है, तो आपका धनतेरस भी अलग होगा, तो आप 29 अक्टूबर को धनतेरस बनाएंगे। अगर आप 1 नवंबर को दिवाली बना रहे हैं तो आप 30 अक्टूबर को धनतेरस बनाएंगे। अब चॉइस आपकी है। मैंने आपसे कहा जब अयोध्या में दिवाली मनाई जाए तभी दिवाली बना लीजिए, क्योंकि दिवाली का सीधा लिंक जो है वो अयोध्या से है, ठीक है। अब धनतेरस वाले दिन शाम के टाइम पर घर में यम का दिया भी जलता है। शॉपिंग शाम को करें, सुबह करें, आपकी मर्जी है, लेकिन धनतेरस वाले दिन शाम के टाइम पर आपके नए लक्ष्मी गणेश, आपके खिलौने, आपके नए बर्तन, आपने जो सोना चांदी खरीदा है, सब कुछ मंदिर में व्यवस्थित रूप से सजा के रखना है आपको। इस दिन आपको अपने घर में पोटली भी रखनी है। इस दिन आपको अपने घर की तिजोरी को पूरी तरह से साफ करके शाम को पूरे घर की करीबन 6 बजे के टाइम लाइटें खोल कर पूरे घर में सुगंधित लोबान का धुआं देकर या बत्ती लगाकर या इत्र और परफ्यूम लगाकर घर के कोने कोने को प्रकाशित रोशन करके कुबेर का मंत्र चलाते हुए बड़े से आराम से बैठकर और बड़े भावनाओं के साथ, विश्वास के साथ आपको पोटली का डब्बा खोलना है। पोटली के डब्बे को उल्टा करके अपने हाथ में पोटली लेनी है, उस पर 10 के नोट की गड्डी रखनी है और उसे मैनिफेस्ट करना है। मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, आपकी जो जो विश है वो सब हो चुकी हैं, मैं दादी बन चुकी हूँ, मैं नानी बन चुकी हूँ, मेरे घर में दौलत आ रही है, चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे ऑफिस में सब कुछ, मुझे इंक्रीमेंट, प्रमोशन, लाइफ में सब कुछ मिल गया। इस तरह से कामना करते हुए आपने उस पोटली को अपनी तिजोरी के अंदर लाल रंग का कपड़ा बिछा कर उस पर रखना है और फिर वर्ष भर उससे छेड़ना नहीं है। बस हर शुक्रवार से या तो अगरबत्ती दिखा दीजिए या इत्र या परफ्यूम या डीओ दिखा दीजिए और पूरी तरह से पहले दिन जब आप रखेंगे तो इसे दिया दिखाकर तिजोरी को बंद कर देंगे। जी हाँ, दिवाली वाली रात पे नहीं, धनतेरस में, क्योंकि दिवाली की रात से बड़ा धनतेरस का दिन होता है। अपने घर के बाहर दिए जलाएं, घर को रोशन करें। इस दिन अपने घर के बाहर यम का दिया दक्षिण की तरफ जलाएं, जब घर परिवार के सब लोग साथ में हो तब। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस दिन है कि आप अपने घर के अंदर अंधेरा बिल्कुल ना करें। पॉजिटिव होकर पतिदेव के पोटली रखने के बाद पैर छुएं, वो आपसे दूर हैं तो उन्हें वीडियो कॉल करें एंड बी पॉजिटिव, और उसके बाद बैठ के हो सके तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। धनतेरस वाले दिन 99% लोग शाम को अपने घर में ताला लगाकर शॉपिंग पे लोग बाहर निकल जाते हैं, जो कि बिल्कुल 100% गलत है। उस दिन तो लक्ष्मी आपके घर में आ रही होती है, आपने पोटली रखनी होती है। समझदार बने और धनतेरस वाले दिन सुबह शॉपिंग करें, अपने घर में शाम को बैठें, कुबेर के भजन चलाएं, आप कुबेर देवता के साथ लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, कनक धारा स्रोत्र का पाठ करें। इस दिन अपने घर में खीर बनाएं, पूरा परिवार मिलकर खाए और बड़े पॉजिटिव रहें, घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई अच्छी कॉमेडी पिक्चर लगा कर देखें, एक फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन को बिताएं और घर के मुख्य दरवाजे पर ओए हुए नौक रहे कि 9 खूबसूरत सी अगरबत्ती या लोबान या धूप, जिसमें भी आप ट्रस्ट करते हैं, उसे ज़रूर जलाएं। तो ये है धनतेरस से जुड़ी हुई कंप्लीट वीडियो। और पुरानी झाड़ू कब निकालनी है, छोटी दिवाली वाले दिन। देखिए मेरे पीछे से भी वो झाड़ू लेकर जा रही है। इससे बड़ा क्या ही सहयोग होगा हमारे जीवन में कि हम धनतेरस की बात कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें मिल गया कि जाओ
तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता को मैं इस बार निकाल दूंगी। तो आप धनतेरस पर झाड़ू जो खरीद कर लाइए, छोटी दिवाली अगले दिनों की, उससे झाड़ू लगाना शुरू करिए और छोटी दिवाली वाले दिन अपने पुरानी झाड़ू को थैंक यू बल्कि ग्रेटिट्यूड करके उसे माथे पर लगाकर कहाँ रख कर आएंगी आप, किसी भी पेड़ के नीचे कर कर देखिए, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। आप कुछ खरीदें या ना खरीदें, धनतेरस पर झाड़ू बदलना, ओए होए। हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस, मे गॉड ब्लेस यू। खुश होकर मज़े से आनंद के साथ अपने धनतेरस के पावन त्यौहार को मनाइए। अरे कभी भी हो दिवाली, क्या ही फ़र्क पड़ता है, दिवाली मनानी है, हृदय से मनाइए, मन से मनाइए, खुश होकर मनाइए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, एंड बी पॉजिटिव। लव यू ऑल।